हेलो दोस्तों, देखा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शांतनु। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप बाय एंटीवायरस की डॉट कॉम से किसी भी एंटीवायरस की को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा है और बहुत से लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट भी किए हैं कि उन्हें ये वेबसाइट जो है फेक लगती है, स्कैम लगती है, और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये वेबसाइट जो है इनवैलिड की हमें प्रोवाइड कराती है। तो आज मैं इस वेबसाइट के जितने भी सवाल हैं, जितने भी सवाल इस वीडियो में जो मुझे मिले थे और जो भी कमेंट मुझे मिले हैं, तो मैं उनकी उनका जो है जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरी तरह से मैं जो सवालों के जवाब मैं इसमें दूंगा, क्योंकि बहुत से सवाल हैं, बहुत से लोग इसे फेक वेबसाइट बोल रहे हैं, स्कैम बोल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ, buyantivirus.com के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि buyantivirus.com दोस्तों 5 साल पुरानी वेबसाइट है। अगर ये फेक होती या स्कैम होता तो इस वेबसाइट को बंद कर दिया जाता 5 साल पहले ही, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने एंटीवायरस की को परचेज किया है, बहुत से लोगों ने इस वेबसाइट की सर्विस का फ़ायदा उठाया है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा इनवैलिड की वालों की, जिनको buyantivirus.com से इनवैलिड की मिली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं उनको ये बताता हूँ कि जिन्हें इनवैलिड की मिली है, वो पहली बात तो ये चेक कर लें कि वो सही तरीके से प्रोडक्ट की जो है वो एंटर कर रहे हैं कि नहीं अपने एंटीवायरस में। जी हाँ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कभी कभी हम गलत तरीके से एंटर कर देते हैं प्रोडक्ट की, तो वो इनवैलिड हमें शो होता है उसकी का कि वो की जो है इनवैलिड है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तो कई बार टाइपिंग में गलती हो जाती है और कई बार गलत तरीके से हम प्रोडक्ट की डाल देते हैं। पर अगर आप 2-3 बार ट्राई करें और आप सही तरीके से की डालें तो वैलिड हो जाएगी। पर अगर वो वाकई में इनवैलिड की है तो आप कस्टमर केयर में बात कीजिए। buyantivirus.com में कस्टमर केयर आपको जो है नई की प्रोवाइड करवा देंगे, एक नई की आपके SMS और ईमेल भेज देंगे। ठीक है, तो अगर वो की इनवैलिड है तो सबसे पहले आपको उसको 2-3 बार चेक करना है कि वाकई इनवैलिड है कि नहीं। तो अगर आप कंफर्म होते हैं कि इनवैलिड की है तो आप कस्टमर केयर में बात कीजिए, वो आपको एक नई की प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो आपको एक नई की दे देंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा फेक या स्कैम की, यानी कि कुछ लोगों को ये फेक या स्कैम लगता है क्योंकि उन्होंने पैसा पेड किया है buyantivirus.com में, लेकिन उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाई गई की, यानी कि उन्हें की भेजी ही नहीं गई है। तो दोस्तों, मैं उन्हें बता दूं कि buyantivirus.com में अगर आपका पैसा नहीं पहुंचता है तो आपको वो की प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके उन्हें पैसा ही नहीं मिला तो आपको की कैसे भेज सकते हैं, वो प्रोडक्ट की आपको SMS नहीं कर सकते, ना ही ईमेल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपने पैसा पेड कर दिया, अब आपके बैंक खाते से पैसे भी कट चुके हैं। अब दोस्तों, ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम पैसा पेड करते हैं, वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कट भी जाता है लेकिन उस तक नहीं पहुंच पा रहा जिसे हमें भेजना है, वो बीच में ही अटका होता है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आपको बैंक के कस्टमर केयर में बात करनी पड़ेगी ताकि वो जो पैसा बीच में अटका हुआ है वो आपको आपके वापस बैंक में ट्रांसफ़र हो जाए। इसके लिए आपको बैंक के कस्टमर केयर में ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब buyantivirus.com के कस्टमर केयर में अगर आप बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि मेरा पैसा पेड हो चुका है और आपने की नहीं भेजी, तो सबसे पहली बात तो वो आपको की नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पैसा मिला नहीं है आपका, और वो आपको रिफ़ंड भी नहीं दे सकते क्योंकि उनको आपका पैसा ही नहीं मिला, तो आपको रिफ़ंड कैसे दे देंगे, वो पैसा गेटवे में बीच में ही अटका हुआ हुआ है। तो आपको बैंक कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, जिस भी आप जो भी खाते में आपका बैंक है, SBI में है, PNB है, जिस भी खाते में आपका बैंक है, खाता है, वो आपको उसके कस्टमर केयर में बात करनी पड़ेगी ताकि वो जो पैसा है वो वापस संरक्षण हो जाए आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, अब दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब सर्वर जो है ठीक से काम नहीं कर पाते, जब ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक के सर्वर नेटवर्क ठीक से काम नहीं करते, इस वजह से क्या होता है कि ट्रांजेक्शन तो हो जाता है लेकिन वो बीच में अटका रहता है, यानी कि पैसे कट जाते हैं आपके बैंक खाते से लेकिन वो जो पैसा है बीच में अटका हुआ होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बैंक के कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है, और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। और जब तक buyantivirus की को आपका पैसा नहीं मिलेगा, वो आपको की प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, तो आपको इस वेबसाइट पर ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वीक नेटवर्क, वीक सर्वर की वजह से पैसा पेड होता है लेकिन वो कटने के बाद भी, बैंक खाते से कटने के बाद भी उस तक नहीं पहुँच पाता जिस तक आपको पहुँचाना है।
तो ऐसे में आप बैंक कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो वेबसाइट है वो बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है और बहुत से लोगों ने इसे यूज़ किया है, जो फेक या स्कैम कहते हैं इस वेबसाइट में, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये पैसा पेड होने के बाद भी उनके प्रोडक्ट की देता नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको सारी बात बता दी है कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। कस्टमर केयर से भी मैंने बात की है तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट की डालते नहीं आता, एंटीवायरस की इंस्टॉल करते नहीं आता, तो कोशिश भी बिल्कुल मत कीजिएगा। आप बाय एंटीवायरस की .com में कस्टमर केयर में बात कीजिए, वो एनी डेस्क की मदद से आपके पीसी या लैपटॉप जहाँ पर भी आप एंटीवायरस यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको वही एंटीवायरस की इंस्टॉल करके देंगे, वही प्रोडक्ट की आपको एंटर करके देंगे, वही आपके एंटीवायरस को एक्टिवेट करके दे देंगे। ये फैसिलिटी उनकी है, उनकी तरफ से वो ये सारा काम आपके लिए वो कर देंगे एनीडेक्स की मदद से, ठीक है। अब दोस्तों मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हुई थी। फ़ोन पे जो ऐप है, फ़ोन पे ऐप से मैंने रिचार्ज किया था अपने मोबाइल पे 199 रुपये का, तो 199 रुपये का रिचार्ज तो हो गया लेकिन पैसे भी कट गए बैंक से मेरे। लेकिन हुआ क्या कि रिचार्ज हुआ ही नहीं मोबाइल पे, मोबाइल नंबर पे रिचार्ज नहीं हुआ। तो मैंने हेल्प सेक्शन में देखा तो हेल्प सेक्शन में ही मुझे बताया गया, फ़ोन पे में एक हेल्प सेक्शन भी होता है, बहुत ही अच्छी पेमेंट ऐप है ये, मैं यूज़ करता हूँ। तो फ़ोन पे में जो हेल्प सेक्शन है उसमें ये बताया गया कि आपको जो पैसा कट चुका है लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ, तो आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 4 घंटे वेट किया लेकिन 4 घंटे वेट करने के बावजूद रिचार्ज नहीं हुआ मेरे मोबाइल पर। लेकिन जो पैसा है उसका SMS आ गया कि पैसा जो है वापस आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया, मुझे इसका SMS भी मुझे मिला। अब दोस्तों सिचुएशन ऐसी थी कि मेरा जो पैसा है वो बीच में अटका हुआ था, ठीक है, कट तो गया था बैंक से लेकिन वो बीच में अटका हुआ था गेटवे में, तो रिचार्ज हुआ नहीं। अब पैसा कट गया, रिचार्ज नहीं हुआ क्योंकि वो गेटवे में अटका हुआ था, यानी पैसा मेरा बीच में अटका हुआ है, तो वो वापस ट्रांजेक्शन हो गया 4 घंटे बाद, क्योंकि रिचार्ज हुआ नहीं, क्योंकि पैसा पहुंचा नहीं। लेकिन दोबारा जब मैंने रिचार्ज किया तो पैसा पहुंच गया था और रिचार्ज भी हो गया था। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन आती रहती है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा आपका कहीं नहीं गया है। जिनको लगता है कि बाय एंटरप्राइज की .com में हमने पेड किया, हमें की नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा है वो बीच में आपके अटका हुआ है, तो आपको बैंक कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। अब मेरे साथ भी हो चुका है कई बार, तो ये वीक सर्वर वीक नेटवर्क की वजह से हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही आखिरी बात जो मैं कह रहा हूँ आपसे इस वीडियो में बाय एंटीवायरस की .com को लेकर, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर में बात की है और मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूँ बाय एंटीवायरस की .com का, क्योंकि ये मुझे अच्छी वेबसाइट लगी, मैं सारी चीज़ें पता करके कंफर्म करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि बाय एंटीवायरस की .com जेन्युइन वेबसाइट है, एक ऐसी वेबसाइट जिससे आप कोई भी एंटीवायरस की को आसानी से परचेज कर सकते हैं, वो रिजनेबल प्राइस से। दोस्तों मैंने सभी जो सवाल हैं उनके जवाब दे दिए हैं बाय एंटीवायरस की .com के ऊपर, जो आपने कमेंट किया था उन सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर एक नई वीडियो बना दूंगा या फिर मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और द एक्शन यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ।